प्रेस को भी देख चुकी है और हाल में बीजेपी को भी देख लिया, तो कुंडू साहब पे उनको विश्वास है, उसी विश्वास के सहारे देखो ना ये जनता आई आज इतनी भारी संख्या में, तो जनता का साथ हमारे साथ है तो बदलाव जरूर आएगा। हम नहीं सा भाई जो हमारी माँ ने पैदा कर रखे ने वे भी हमारे ऐसे भाई नहीं है जैसा हमारा भाई बलराज कुंडू है, हमारा दलता प्यारा है और दलता प्यारी मारी अम्मा तो उनको राम सीता की जोड़ी है या पता नहीं कहाँ छुप रहे थे इन, मैं तो कोई भी बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो ये जींद में उठाए ना। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त जींद हमारी टीम मौजूद है किले स्टेडियम में जनसेवा संकल्प रैली, वो तमाम तस्वीरें लाइव भी आपने देखी भाई। परमजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाई, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का बदलाव आप देखते हैं आज की रैली को लेकर के, हरियाणा की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा? कि देखो इतनी संख्या देखकर लोग भी चाहते हैं कि एक बदलाव आए जी, जनता बदलाव चाहती है क्योंकि उन्होंने देखो पहले सब पार्टियों को देख लिया, कांग्रेस को भी देख चुकी है और हाल में बीजेपी को भी देख लिया, तो कुंडू साहब पे उनको विश्वास है, उसी विश्वास के सहारे देखो ना ये जनता आई आज इतनी भारी संख्या में, तो जनता का साथ हमारे साथ है तो बदलाव जरूर आएगा। पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के हरियाणा में लोगों से रूबरू होंगे आप सभी? नहीं, पार्टी का उद्देश्य क्योंकि जो कुंडू साहब आज कार्य कर रहे हैं जी, आज सरकार में ना होते हुए इतने जो बेटियों के लिए कभी किसी भी पार्टी ने, देखो बीजेपी ने एक नारा तो लगा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन धरातल पर क्या किया हुआ है आप सब भी मीडिया वाले साथियों को भी पता है, लेकिन हमने बेटियों के लिए बसों की जो सुविधा, आज हमारी बेटियाँ इतनी संख्या में पहले नहीं पढ़ाई करती थी, आप आज अपने घर से सुरक्षित जाती हैं और सुरक्षित ही आती हैं, तो उनकी जो मैं भी जैसे उनकी माताओं से बात करती हूँ तो वो यही कहती है कि जो कार्य सरकार को करना चाहिए था वो आज कुंडू साहब हमारे हमारी बेटियों का साथ दे रहे हैं, तो हम लोग आपके साथ हैं इस लड़ाई में। अच्छा, जैसे जींद की बात करें, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद माना जाता है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, सबसे पहले जो रैली हरियाणा के अंदर जींद के अंदर ही होती है, लेकिन बाद में जींद को ही अनदेखा कर दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होगा भाई क्या ये पार्टी भी कहीं जींद को अनदेखा कर दे? नहीं नहीं, देखो जनता अब पहले से संभल चुकी है, अब उनको हर इंसान की पहचान हो गई है, हर पार्टियों को वो देख चुके हैं, तो कुंडू साहब पे एक उनका विश्वास है और उनका विश्वास कायम ही रखेंगे। अच्छा, कई बार जब इंटरव्यू देखते हैं बलराज कुंडू के, कांग्रेस को लेकर के भी लगातार कटाक्ष करते रहते हैं, जेजेपी के ऊपर भी कटाक्ष है, बीजेपी के ऊपर भी, लेकिन इनेलो की जहाँ जब बात आती है तो ये लगता है कहीं ना कहीं भाई जो आपकी पार्टी है वो इनेलो के साथ गठबंधन कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो लोगों की सोच है, वो लोगों की सोच है। चलो, आज की रैली को लेकर के जो जो जनसैलाब जो उमड़ा है, क्या कहना चाहेंगे लोगों का, किस प्रकार से धन्यवाद करेंगे, क्या आप संदेश देंगे? नहीं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने यहाँ आके कुंडू साहब को और मुझे आशीर्वाद दिया, हम चाहते कि आने वाले टाइम में जनता हमारा साथ इसी तरह से दे। बिल्कुल, पूनम जी क्या कहना चाहेंगे, आप ही जिला के अध्यक्ष हैं, कैसा लगा आज की रैली? बहुत बढ़िया लगा जी, आज जो पहली हमारी रैली हुई है बहुत बढ़िया हुई है, 100% सफल हुई है हमारी रैली। हम तो ये कहेंगे जैसा हमारा भाई है ऐसा नेता कभी भी हरियाणा प्रदेश में नहीं मिल सकता, ऐसा बेटा नु देखो, जब भी धरती पर पाप बढ़े है भगवान किसी न किसी धरती पर तार है, पाप इतना बढ़ गया है कि मजबूर होकर मैम तले कड़क है हमारे भाई ने जींद एरिया में कदम धरना पड़ा, क्यों जींद के मनसा पे वोट तो ले हैं बका कर वादे कर दे हैं लेकिन पूरे कोई नहीं करता, इसने यही देखा कि हमने ये देखा मैम के अंदर बना कुछ मांगे बाजी साहब ने बहुत कुछ दिया है और जुलाना के अंदर भी 3 बस दे दी बना मांगे, तो ऐसा नेता कभी किसी ने नहीं मिलेगा। अगर ये मान लोगों की आंख नहीं खुली ना तो फिर खुलने भी नहीं, अगर अपनी फसल और अपनी नस्ल और अपन बचानी है और भ्रष्टाचार मिटाना है और बेरोजगारी खत्म करनी है तो मैं तो ये कहूँगी जनता ते भाई का साथ दो, उसके हाथ मजबूत करो, उसने उसका पूरा पूरा सहयोग करो कि वो मुख्यमंत्री बने और जो हमारी बड़क बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, और जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा, फसल भी बचेगी और नस्ल भी बचेगी। पहली बात तो नस्ल है वही बेटियाँ थे, बेटियाँ की सुरक्षा किसी ने नहीं सोची, देखो जंतर मंतर पर कैसे बेटी घसीटी गई थी, वादा तो कर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा हमारे भाई बलराज कुंडू ने पूरा कराया है। हमने ऐसा भाई जो हमारी माँ ने पैदा कर रखे ने वे भी हमारे ऐसे भाई नहीं है जैसा हमारा भाई बलराज कुंडू है, हमारा दलता प्यारा है और दलता प्यारी मारी अम्मा तो उनको राम सीता की जोड़ी है या पता नहीं कहाँ छुप रहे थे इन, मैं तो कोई भी बहुत बहुत धन्यवाद इनका जो ये जींद में उठाए ना, तो जींद का ही पूरे हरियाणा प्रदेश में इन कमान संभाल ली ना, तो हरियाणा प्रदेश का घुण ला दिया था इन सरकार ने थोड़ी, अगर दोबारा बीजेपी आ जाती
तो हमारी ना तो बेटी बचती ना हमारे बेटे, क्यों बेटी नू नहीं बचती, बसा में सुरक्षित नहीं है, बेटे नू नहीं बचते, बेरोजगार है और गम्मा में ना ठेके खोल दिए, जो माँ बाप दो पैसा दे रहा है वो बेरोजगार बेटे उनकी दारू पीले हैं, नशा बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया और बड़ छोरिया का शोषण बढ़ा दिया। आज तक हमने सरकार तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये सारी चीज खत्म करनी है तो जनता ने जागना होगा और भाई का साथ देना होगा। चलो, नई पार्टी का आगाज जो है वो उसका बिगुल भी बच गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ जनता को कि बढ़ चढ़ के हमारा साथ दो, ये परिवर्तन हम लाएंगे। क्यों साथ दीजिए आप? देखो, समस्याओं से अगर निकलना है, कितनी समस्याएं हैं आप लगाओ कि बेरोजगारी की, आज कांग्रेस लगा लो आप, बीजेपी की सरकार है, हर वर्ग हर कर्मचारी आज रोड पे, तो जो समस्याएं हैं गरीबों की कोई नहीं सुनता, हर वर्ग का कर्मचारी रोड पे है, तो इन समस्याओं से निकलने के लिए लोगों को साथ देना पड़ेगा। आज आप बलराज कुंडू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आके महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, लगता है महिलाएं आपसे जुड़ेंगी? जुड़ी हुई है महिलाएं मेरे से, जुड़ेंगी नहीं, वो जुड़ चुकी हैं कि महिलाओं को पता है कि उनकी उनको समस्याओं से निकालने वाले सिर्फ कुंडू साहब ही है, क्योंकि उनका हर पार्टियों से विश्वास उठ चुका है। तो ये मानना जाए कि आप भी चुनाव जो आने वाले समय में लड़ रहे हैं? वो वक्त बताएगा। फिलहाल भाई वीडियो आपने देख ली है, जो बलराज कुंडू है महम के निर्दलीय विधायक, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद थी। आज की रैली को लेकर के आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी की हरियाणा की राजनीति में कितना कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं, इसको लेकर के रैली को लेकर के क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंजार के साथ मैं जय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।